स्केचिंग। स्केचिंग इज वेरी मोस्ट पावर ऑफ एन आर्ट। टू ड्रैव समथिंग ऑन पेपर, लेकिन आपको स्केच करना नहीं आता तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। हेलो दोस्तों यार गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग की। जो लोग स्केचिंग सही से नहीं कर पाते, ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो चाहते हैं कि हमारा स्केच भी एकदम परफेक्ट हो जाए। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी आर्ट फील्ड में चले जाइए, वहाँ सिर्फ आपको स्केच की डिमांड ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि गाइस स्केच से ही उनका जो पीछे का वर्क होता है वो सब स्केचिंग के थ्रू ही होता है। और हर आर्टिस्ट जो है वो स्केचिंग के अंदर ही फोकस करता है, क्योंकि गाइस स्केचिंग से ही वो अपनी जो ड्राइंग है वो बना पाता है। जैसे पोर्ट्रेट, इलस्ट्रेशन, बाकी और भी जितने भी वर्क है वो सब स्केचिंग के थ्रू होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइस हमें कुछ ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं, और हमें ऐसे ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं जिनका शेप ईजी हो। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइट बल्ब लिया है, एंड बल्ब को एक अच्छी पोजिशन पर रखना है और इस पर फोकस करना है कि बल्ब का शेप कैसा है। एंड गाइस हमारे बल्ब का शेप कुछ इस तरीके का है। तो गाइस आपको भी कुछ ऐसी लाइंस दिमाग में लानी है ताकि स्केच करते टाइम हमें ऑब्जेक्ट और भी आसान लगे। तो अब हमें अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें शेप की रफ लाइंस बनानी है। पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से पकड़ना है। रफ लाइंस बनाने के बाद अगर आपको लगे कि अब स्केच बन सकता है तो डार्क लाइन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड गाइस स्टिल लाइफ के वर्क में भी ज़्यादातर लोग यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। पहले तो वो रफ लाइंस बनाते हैं, फिर डार्क लाइंस जो कि ऑब्जेक्ट की है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस स्केच बन जाने के बाद हमें बल्ब को उभरा हुआ दिखाना है, यानी रियलिस्टिक दिखाना है। सो सिंपली हमें बल्ब को स्टिल लाइफ की नज़रों से देखना है, एंड इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। और हमें देखना है कहाँ लाइट ज़्यादा और कहाँ कम, और हमें शेडो को एकदम डार्क बनाना है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट साफ दिखाई दे। और गाइस आप मेरे चैनल पर कोई सी भी ड्राइंग देख सकते हो, सभी ड्राइंग में जो है स्केच मैंने इसी तरीके से बनाया है। एंड ये प्लेइंग कार्ड्स भी मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। प्लेइंग कार्ड्स का तो आपको ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही चलती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका वर्क अच्छा होता रहेगा। आप एक स्केचबुक खरीदिए, उसमें डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉ करते रहिए। आपको खुद को एक अच्छा आर्टिस्ट बनना होगा, यानी आप खुद एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो डेली प्रैक्टिस के साथ। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, वहाँ जाकर आप काफ़ी सारी ड्राइंग देख सकते हो।